गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम पूजा फ्रॉम श्री गुरु तेग बहादुर स्कूल। हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे सीरीज का कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, जिसमें कि हमने स्टडी किया था कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसको एक पीसफुल और हेल्दी लाइफ प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए थे और गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज और लॉज बनाए थे, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस कर लिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं और हम अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है गवर्नमेंट से हेल्प ले सकते हैं। तो अब हम दलित्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने एक रतनाम एक बॉय है जिसकी फैमिली की हमने स्टोरी स्टडी कल रीड की थी, जिसने क्या था अपनी फैमिली के अगेंस्ट, अपनी कम्युनिटी के अगेंस्ट जो ह्यूमिलेशन उनसे रूरल एरियाज़ में हो रहा था उसके अगेंस्ट उसने क्या था केस फाइल करवाया था और उसे बाद में जस्टिस मिल गया था। तो उसने जो केस फाइल करवाया था वो कौन से एक्ट के अंडर करवाया था और उसे कैसे जस्टिस मिला था, हम पूरा प्रोसीजर उस एक्ट के बारे में आज पढ़ेंगे। सो द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ द एट्रोसिटी एक्ट 1989। तो इसी एक्ट के अंडर क्या था उसने अपना केस फाइल करवाया था। रतनाम सॉट द सपोर्ट ऑफ द लॉ, मतलब रतनाम को क्या था कानून का सहारा मिला था। फाइलिंग इज कंप्लेंट अंडर द अबव एक्ट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डोमिनेशन एंड वॉयलेंस, मतलब उसके अगेंस्ट जितना ह्यूमिलेशन रूरल एरिया में उसके अगेंस्ट हुआ था उसके और उसके कम्युनिटी के अगेंस्ट, जो कि उनको टेम्पल में एंटर नहीं करने दिया जाता था, उन्हें क्या था जो प्रीस्ट और वहाँ के हाई लेवल सोसाइटी के जो लोग होते थे उनके उन्हें पैर धोने पड़ते थे, तो ये जो ह्यूमिलेशन होता था उनके अगेंस्ट उसके अगेंस्ट उन्होंने केस फाइल करवाया था। अब जो रतनाम था वो काफ़ी एजुकेटेड था, तो उसे लॉ के बारे में, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में ज़्यादा पता था और वो काफ़ी अवेयर भी था। दिस एक्ट वॉज फ्रेम्ड इन 1989। आज हम इस जो शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स जो एक्ट है 1989 इसके बारे में स्टडी करेंगे। 1989 में एक कानून पास हुआ था जो द एक्ट वॉज फ्रेम्ड इन 1989। इस एक्ट को 1989 में गवर्नमेंट ने पास किया था, किसके लिए किया था, टू डिमांड्स द दलित बाय द दलित्स एंड दी अदर दैट द गवर्नमेंट मस्ट टेक सीरियसली दैट इल ट्रीटमेंट एंड दी ह्यूमिलेशन दलित्स एंड ट्राइबल ग्रुप्स फेस इन एवरी डे सेंस, मतलब कि डेली रूटीन की लाइफ में जो उनके साथ ह्यूमिलेशन होता था उसके अगेंस्ट उन्होंने उनके अगेंस्ट उन्हें हेल्प देने के लिए दलित्स और ट्राइब जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको हेल्प देने के लिए ये कानून बनाया गया था। दलित ग्रुप्स केम इन टू बिगेन एंड दे असर्टेड देयर राइट्स, दे रिफ्यूज टू परफॉर्म देयर सो कॉल्ड कास्ट ड्यूटी। सो कॉल्ड मीन्स उनको जो कास्ट ड्यूटी बनाई गई थी कि उन्हें वो हाइव सोसाइटी के साथ बैठ नहीं सकते, उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, टेम्पल्स में नहीं जा सकते, उन्हें क्या है सिर्फ उनके खेत में जो मजदूरी करना होता है, ये सब उनकी जो ड्यूटीज डिफाइन की गई थी वो क्या था वो सोसाइटी का जो आउटलुक है वो चेंज करने के लिए ये जो लॉ बनाए गए थे। तो अब हम इस लॉ के बारे में स्टडी करेंगे क्या क्या इसके फीचर्स थे और क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। Likewise, throughout the 1970s and 80s, आदिवासी people successfully organized themselves. Organized मतलब उन्होंने अपने अंडर क्या थी जो कम्युनिटी होती है, मतलब कि यूनिफॉर्मिटी ले आए थे वो अपने अंदर, ऑर्गेनाइजेशन बना लिया था एंड डिमांड इक्वल राइट्स एंड फॉर देयर लैंड रिसोर्सेज टू बी रिटर्न टू देम। और उन्होंने ये कहा था कि गवर्नमेंट से कहा था कि हमें भी क्या है अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की तरह हमें भी हमारे राइट्स प्रोवाइड किए जाएँ, हमारे जो रिसोर्सेज हैं हमारी जो लैंड है वो हमें प्रोवाइड की जाए। द टू हैड टू फेस द एंगर ऑफ द पावरफुल सोशल ग्रुप्स एंड वर सब्जेक्ट टू द ग्रेट डील ऑफ वायलेंस। तो जैसे ही उन्होंने क्या था अवेयरनेस के लिए आवाज़ उठानी स्टार्ट की तो जो हाई सेक्शन थे सोसाइटी के उन्होंने क्या अगेंस्ट बोलना स्टार्ट कर दिया था। दैट इज़ वाई दिस एक्ट कंटेन्स अ वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ द क्राइम सम ऑफ विच आर टू हॉरिबल इवन टू कंटेम्पलेट। तो इसमें क्या थे जितने भी अब ह्यूमिलेशन के भी बहुत सारे टाइप्स थे, जो जो जितने भी टाइप के ह्यूमिलेशन होते थे इन सबको क्राइम्स मतलब जो मिसडीड्स उनके अंडर क्या था उनको लिया गया था। द एक्ट डज नॉट ओनली डिस्क्राइब टेरिबल क्राइम्स बट ऑल्सो लेट्स पीपल नो बट ब्यूटिफुल डीड्स ह्यूमन बींग आर कैपेबल ऑफ, मतलब ह्यूमन बींग क्या है दूसरे सेक्शंस के लिए या डिस्क्रिमिनेशन के बेस पे क्या क्या जो है मिसडीड्स कर सकते हैं। इन दिस सेंस लॉ सच एज दिस सीक टू बोथ पनिश एज वेल एज द इन्फ्लुएंस। अब ये क्या है जो कानून दो तरीके से काम करता है, एक तो अवेयरनेस के थ्रू ताकि लोगों में अगर अवेयरनेस होगी तो वो दूसरों को ह्यूमिलेट नहीं करेंगे, और एक है अगर कोई ह्यूमिलेट करता भी है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सके, उसे अगर जेल भेजना है या पनिशमेंट देनी है कोई सज़ा देनी है तो ये सब
दिया जा सके। द एक्ट डिस्टिंग्विशिंग सेवरल लेवल ऑफ क्राइम्स, अब इसने क्राइम्स को क्या अलग अलग लेवल्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्टली इट लिस्ट मोड ऑफ ह्यूमिलेशन दैट आर बोथ फिजिकली, मतलब ह्यूमिलेट हम किस टाइप से, मेंटली भी किसी को टॉर्चर किया जा सकता है, फिजिकली भी किया जा सकता है। जैसे किसी को क्या है, बातों से हम बोल के प्रेशराइज करके, ताकि उसके अंदर मतलब जो माइंड में ही उनके बात रह जाती है, तो वो क्या मेंटल प्रेशर का टाइप है। जैसे ही फोर्स अ मेंबर ऑफ अ सोशल कास्ट और सोशल टाइप टू ड्रिंक और ईट एनी इनएडिबल और ऑब्नोक्सियस सब्सटेंसेस, मतलब कि जैसे उन्हें खाने के प्रॉपर रिसोर्सेज ना प्रोवाइड करना, क्योंकि खाना हमारा बेसिक नीड है। अगर उन्हें फूड नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, या जो एडिबल जो आइटम्स हैं वो अगर उन्हें प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, या उन्हें कुछ ऐसा खाने को बोला जाएगा जो कि एडिबल नहीं है, ये तो इस टाइप का ह्यूमिलेशन था। एंड फोर्सिबली मूव्स क्लोज फ्रॉम द पर्सन ऑफ अ मेंबर ऑफ अ शेड्यूल कास्ट और ट्राइब और पेरेड्स हिम, मतलब कि उन्हें क्या किया जाता था, उनके कपड़े उतार के और उन्हें क्या था, मारा और पीटा जाता था। इस टाइप से उन्हें फिजिकली तरीके से भी ह्यूमिलेट किया जाता था, उनके फेस पर और बॉडी पर क्या है पेंट किया जाता था, और उन्हें मतलब उनका बेसिक पर्पज़ ये था कि चाहे फिजिकली तरीके से हो या कैसे भी हो, उन्हें क्या है, उन्हें इंसल्ट करना है, उन्हें लोअर फील करवाना है। जैसे रैगिंग टाइप होते हैं ना, समथिंग उस टाइप का ही है ये। सेकेंडली इट लिस्ट एक्शन दैट डिस्पोजेस दलित्स एंड आदिवासी ऑफ देयर मीगर रिसोर्सेज और विच फोर्स देम इनटू परफॉर्मिंग स्लेव लेबर। अब हमने स्टडी किया था इससे प्रीवियस चैप्टर में, जिसमें हमने ये देखा था कि आदिवासी से उनकी लैंड और रिसोर्सेज छीन ले जाते हैं, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, अगर उनसे रिसोर्सेज छीन लें तो उन्हें एज अ लेबर दूसरों के फील्ड्स में काम करना पड़ता है, जिसके बदले उन्हें पैसा अच्छा नहीं मिलता, वेजेस अच्छी नहीं मिलती। दस द एक्ट सेट्स आउट टू पनिश एनी वन हु रॉन्गफुली ऑक्यूपाइज और कल्टिवेट्स एनी लैंड ओन्ड और अलॉटेड टू अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स और गेट्स द लैंड अलॉटेड टू ट्रांसफर। तो उन्हें क्या, उनसे उनके लैंड और रिसोर्सेज छीन लिए जाते हैं और उन्हें फोर्स किया जाता है कि वो दूसरों के जो फील्ड में वर्क करें और बहुत ही लो वेजेस पे करें, मतलब उन्हें मजदूरी भी बहुत ज़्यादा कम मिलती है, जिससे उनकी जो एक लाइफ की जो बेसिक नीड्स हैं वो भी बहुत मुश्किल से कंप्लीट हो पाती है। एट अनदर लेवल द एक्ट ऑर्गेनाइजेज दैट क्राइम्स अगेंस्ट द दलित एंड द ट्राइबल वुमेन आर ऑफ स्पेसिफिक काइंड एंड देयर फोर सिक्स टू पेनालाइज एनी वन हु असोल्ट्स और यूज फोर्स ऑन एनी वुमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब विद इंटेंट टू डिसऑनर हर। अब कुछ क्या है, वुमेन्स के अगेंस्ट भी क्या है, ह्यूमिलेट करते हैं उन्हें, वुमेन्स को भी क्या करते हैं, उनके अगेंस्ट मिसडीड्स करते हैं, उन्हें इंसल्ट करते हैं, स्पेशली क्योंकि वुमेन्स को वीक कंसिडर किया जाता है और उनके अगेंस्ट ही सबसे ज़्यादा उन्हें ही इंसल्ट किया जाता है। तो अभी हमने स्टडी किया कि किस तरह से फिजिकल और मेंटली तरीके से क्या है शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के लोगों को ह्यूमिलेट किया जाता है सोसाइटी में, और इन्हीं से प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ कानून बनाए हैं, कुछ लॉज बनाए हैं, ताकि अगर किसी के अगेंस्ट कोई मिसडीड्स होती हैं तो वो गवर्नमेंट से कंप्लेंट कर सकते हैं और इस एक्ट के अंडर वो अपने लिए क्या है मुआवजा जो होता है ना, जैसे कुछ मुआवजा हो या गवर्नमेंट हेल्प होगी वो उनसे ले सकते हैं। सो कैन यू लिस्ट आउट टू डिफरेंट प्रोविजंस इन द 1989 एक्ट। हम दो प्रोविजंस मतलब के क्या क्या दो करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या दो चीज़ें जो हैं वो इसके अंडर एक्ट के अंडर प्रोवाइड की गई हैं। सो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे फिर आदिवासी की जो डिमांड और एक नेक्स्ट एक्ट इसी एक्ट के बारे में।